है जो आप मिस्टर बीम में देख चुके हैं। क्या क्या है इसमें? तो ये मिनी कूपर है, इट्स कॉल्ड मिनी कूपर मेफेयर, 1974 मॉडल। मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि मैं तो इंडिया से हूँ या मैं पाकिस्तान से हूँ या मैं एशिया के दूसरे कंट्री में से हूँ, तो अगर मैं वो उसमें लेके जाना हो, लाइक यहाँ से अगर मैं को इंडिया या कहीं और लेके जाना हो, क्या प्रोसेस रहेगा? क्या ये पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है। तो दोस्तों, जैसे कि मेरे लास्ट वाले वीडियो में आपको मैं दिखा रहा था कि मिस्टर बीम वाला कार, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ पूरा डिटेल्स। ये देखिए, वो कंपनी का नेम आप सामने देख सकते हैं, ये कोपार्ट ऑक्शन बोल के हैं। तो यहाँ पे मैंने को कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, जैसे इंडिया में कोई भी अगर जो कार्स वगैरह है वो अगर लेके जाना चाहता है तो क्या प्रोसेस है, नहीं है, वो पूरा हम कवर करेंगे। और आज पहली बार मैं आपको वीडियो में कवर करूंगा मिस्टर बीम वाला जो कार, जिसमें राइट हैंड भी है, और ये आप अगर चाहते हैं तो इंडिया में भी इंपोर्ट करा सकते हैं। क्या प्राइस है, क्या पूरा डिटेल्स है, मैं यहाँ पर आपको शो करवाता हूँ और इनके यहाँ के पर्सन से मिलवाता हूँ। चलिए, ये देखिए, यहाँ पर कुछ पूरा कार मार्केट है। ये पूरा आपको जो देख रहे हैं, ये कार की भरमार है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मज़दा, वहाँ पर भी एक मज़दा रखा है। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर कार्स वगैरह है ये सब सेकेंड हैंड यूज्ड कार है, काफ़ी सस्ते में मिल भी जाता है। मोरलेस यहाँ पे आपको मिल जाएगा 25,000-30,000 दिराम के अंदर आपको मिल जाएगा। तो अभी जिसके लिए मैं बाहर काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ और काफ़ी देखने को मज़ा आया है देख के, तो आपको मैं चलिए दिखाता हूँ। ये है मिनी कूपर, जो कि एक क्लासिक विंटेज वाला टाइप ऑफ कार्गो है जो आप मिस्टर बीम में देख चुके हैं। मिस्टर बीम वाला एकदम एग्जैक्टली वही मॉडल है, वही चीज़ है। ये देखिए कार का लुक्स देखिए, 1974 का मिनी कूपर है। ये देखिए लुक्स देखिए, अंदर से देखिए वही है। स्टीयरिंग आपको मैं बैठ के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये नॉर्मली हम लोग जो कार अभी तक दुबई में जितने भी देखे हैं वो है लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग, ये है राइट हैंड ड्राइविंग। ये देख सकते हैं आप, राइट हैंड ड्राइविंग है। ये देखिए पीछे सीट है, थोड़ा बहुत इसमें आपको क्या है कि रिफर्निश्ड वाला मिलेगा, ये से पहले वाले नहीं था, ओरिजिनल नहीं था। ये सब आपको नए तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन आपको बैठ के जो फीलिंग मिलेगा वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। इससे मैं यहाँ के जो सेल्स पर्सन है उनसे पूछता हूँ और क्या है, कितने में प्राइस है, इंडिया इंपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये राइट हैंड है, क्या ये इंडिया में लेके जा सकते हैं कि नहीं, और ये फंक्शनल है कि नहीं, क्या क्या प्रोसेस है, पूरा डिटेल्स में यहाँ के पर्सन से मैं पूछता हूँ। चलिए, टायर बड़े ज़बरदस्त है। देखिए ये कितना है, एकदम मेरे पैर के ऑलमोस्ट सेम साइज़ में टायर देखे हैं, क्या कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये सामने से पूरा वही आइकॉनिक वही है, बस कलर अलग है। कलर आप चाहे तो आप चेंज भी करवा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये देखिए एकदम आपका ये कांच भी एकदम वही ओरिजिनल वाला जैसा रखा हुआ है। और कलर सिर्फ इन लोगों ने अलग से किया हुआ है, थोड़े बहुत अंदर से जो रिफर्निश्ड है उसको किया हुआ है। ये वही सीन है। ये देखिए यहाँ पे बैक कैमरा भी है, रिवर्स कैमरा, जो कि अलग से ये कैमरा लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे पेट्रोल वाली जो सिस्टम है वही है, यहाँ पे पेट्रोल आप खोल सकते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं? गुड यू? एब्सोल्युटली गुड सर। आपका नाम सर? जेम्स। कहाँ से है सर? मुंबई। आपची मुंबई, हाँ। सो सर, ये मिनी कूपर के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, क्या है, कौन से ईयर का है, क्या क्या है इसमें? तो ये मिनी कूपर है, इट्स कॉल्ड मिनी कूपर मेफेयर, 1974 मॉडल। 1974। इट्स एन इंपोर्ट, सो ये जीसीसी का नहीं है, इंपोर्ट है फ्रॉम जापान। ओके, एंड दिस कैन बी रजिस्टर्ड ओनली एज अ क्लासिक कार, यू कैन नॉट रजिस्टर्ड एज अ नॉर्मल कार। और ये ज्यादा रनिंग नहीं करते हैं लोग, इसके अगर आप किलोमीटर देखेंगे तो 32,000 है। अच्छा, सिर्फ 32,000। बट ऑब्वियसली देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ रिपेयर्स, रिप्लेसमेंट्स, सो इट कुड नॉट बी दी original one, but however there has been a lot of repairs and regrams done to the car. Okay. Yeah. तो ये सर, ये जो कलर्स हैं ये भी like ये ओरिजिनल नहीं है, इसके ऊपर ये रीपेंट हुआ है। तो ये कुछ मैट फिनिश जैसा लग रहा है, ये मतलब कौन से टाइप का कलर दिया? ये नॉर्मल कलर्स ही होते हैं, सिर्फ इतना है कि उन्होंने शेड वो सिलेक्ट किया। ओके। तो सर ये अभी क्या प्राइस रखा है, अगर कोई दुबई से अगर परचेज करना चाहता है तो क्या प्राइस पड़ेगा? तो दुबई से अगर किसी को परचेज करना है तो अभी प्राइसिंग इट एट 19,999। ओके, यू कैन टेक माय नंबर एंड वी कैन डेफिनेटली। तो लाइक इसके अभी दुबई में जो है अगर उसको परचेज करना हो तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़, क्या क्या उसको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा? तो बेसिकली सिर्फ उनके पास एक रजिस्टर्ड उसकी एमिरेट्स आईडी होनी चाहिए, और बस उसके एक ट्रैफिक फाइल होना चाहिए, दैट मीन यू शुड बी अ पर्सन हु हैज अ ट्रैफिक फाइल, हु ओन्स अ कार, एंड देन यू जस्ट गो एंड रजिस्टर इट एज अ क्लासिक कार, हैव अ इंश्योरेंस, सेम प्रोसीजर लाइक द अदर कार, अगर कुछ भी लेते हैं, ओनली थिंग इज दैट इट विल हैव क्लासिक प्लेट नंबर, क्लासिक प्लेट नंबर, ओके। एंड लाइक अगर जैसे कि मेरे व्यूअर्स बहुत सारे जो है ऑडियंस जो जानना चाहते हैं, भी सबके मन में यही क्वेश्चन आ रहा है कि मैं तो इंडिया से हूँ या मैं पाकिस्तान से हूँ या मैं एशिया के दूसरे कंट्री में से हूँ, तो अगर मैं वो उसमें लेके जाना हो, लाइक यहाँ से अगर मैं को इंडिया या कहीं और लेके जाना हो, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या ये पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है डेफिनेटली, बट लोग क्यों यहाँ से इंडिया नहीं ले जाते हैं, इस क्योंकि वहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप यहाँ से ये अगर 20,000 दिरहम में लेते भी हैं तो यू माइट एंड अप पेइंग 30,000 दिरहम्स approximately only to take the car back to India, which then makes the car more expensive. That is why the cars don't go. But yeah, it's not that it's not possible. You can definitely do it, but the entire procedure I'm not sure. But mainly it's the import. You need to find out how much they would charge, and then you put your hands on it. So 30,000. It means Indian currency, लगभग आपका 10 तो टोटल खर्चा 10 लाख तक के आसपास हो जाएगा। ओके मतलब यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ आपको 4 लाख पड़ रहा है, जो कि 20,000 के आसपास है, और अगर इंडिया में लेके जाएंगे 20,000 छोड़ के अलग से आपको 10 से 15 लाख के अप्रॉक्सीमेट खर्चा हो सकता है। ओके, तो अगर लाइक जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, शिपिंग चार्जेज, ये आपके कंपनी के थ्रू हो सकता है या कि आप लोग की नॉर्मल? हम अब तक इंडिया में तो आज तक हमने शिप नहीं किया, जैसे हम यूएस शिप करते हैं, दूसरे कंट्री शिप करते हैं, पर इंडिया में आज तक किया नहीं है। ओके, सेम रीजन दैट पीपल डोंट प्रेफर टेकिंग इट बैक टू इंडिया बिकॉज ऑफ द हेवी इंपोर्ट। सो but yeah, whatever documents is required we can provide, but shipping the person has to do it on his own. Okay, so अभी इसको अगर कोई purchase करना चाहता है तो कैसे आपसे contact करेगा? मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको नीचे, आपके थ्रू या आपके जो वेबसाइट के थ्रू में भी, आपके वेबसाइट के थ्रू में भी है ये, पर आप मुझे डायरेक्ट फोन करेंगे क्योंकि डायरेक्ट सेल्स के लिए। तो थोड़ा सा मेरे को अंदर से स्टार्ट करके दिखा सकते हैं कैसे ये स्टार्ट होता? तो ये सर जी बैठ चुके हैं और एक बार स्टार्ट करके दिखा रहे हैं। देख रहे हैं पूरा साउंड अच्छा खासा एक रनिंग कंडीशन में है, और आपको मैं थोड़ा मूव करके भी दिखाता हूँ। ये वही मिस्टर बीम वाला तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये था कुछ मस्टैंग का साउंड और मस्टैंग के फीचर्स जो सभी दर्शकों को मालूम ही होता है, लेकिन अंदर बैठ के जो फीलिंग है आउट ऑफ द वर्ल्ड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लग्जरियस वाला फीलिंग, जो ऐसा लगेगा कि आप राजाओं के देश में है। तो राजाओं जैसा अगर आपको फीलिंग लेना हो ना, तो ये रोल्स रॉयल्स